नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अंदर लिखा है हमारे पास, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, यानी 10वीं क्लास के 10 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, इसके अंदर लिखा है कि जो मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 अधिक है नंबर ऑफ बॉयज से। यानी अगर मेरे पास क्या है, मान लीजिए अगर मेरे पास 6 गर्ल पार्टिसिपेट कर रही हैं तो बॉयज कितने होंगे मेरे पास, सिर्फ 2। तभी तो ये आपके पास कितने होंगे, 4 अधिक होंगे ये वाली आपके पास। तो यहाँ पे ये लिखा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज बताने और नंबर ऑफ गर्ल्स बताने हैं कितनी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम, सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स, एक्स मान लिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। मान लिया हमने कि वाई क्या है, नंबर ऑफ बॉयज हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। यहाँ से फर्स्ट लाइन में देखिए आपके पास लिखा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज, कितने हैं टोटल स्टूडेंट 10। यानी अगर मैं एक्स प्लस वाई करूं तो कितना आना चाहिए 10, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड यहां से बनेगी, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स हैं, यदि मैं बॉयज के अंदर 4 ऐड कर दूं तो दोनों मेरे पास इक्वल आ जाएंगे। यानी मेरे पास आएगा एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4, क्योंकि मेरे पास 4 है ना अधिक गर्ल्स, बॉयज कितने हैं इससे 4 कम है। तो क्या कहते हैं, बॉयज के अंदर अगर हम 4 जोड़ दें तो वो नंबर ऑफ गर्ल्स के इक्वल आ जाएंगे। तो मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी एक मेथड से सोल्व कर दीजिए। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ग्राफिकल मेथड इसे सोल्व करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। टेबल के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स को 0 पुट करेंगे। यहाँ पे एक्स की जगह अगर मैं 0 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x पुट किया 0 तो y कितना बन गया यहां से 10। एक सेकंड पॉइंट और निकाल लेते हैं, इसके लिए y को 0 पुट करते हैं। यहां पे y की जगह 0 रखा, x कितना बन गया 10। इसके अलावा एक और पॉइंट निकाल लीजिए, आपकी मर्जी, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। मैंने क्या किया, यहां पे x की जगह 5 रखा, राइट हैंड साइड में जाएगा -5 हो गया, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई मेरे पास 5। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, इस इक्वेशन 1 से बने हैं। इसी तरह से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 से भी 3 पॉइंट निकाल लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x को 0 रखेंगे, x की जगह यहाँ 0 रखूंगा तो y को यहीं पे रखिए और इसको 4 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो कितना बन गया ये -4। तो y की वैल्यू आई है मेरे पास -4। सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे कि y को 0 रखेंगे इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 ये है, y की जगह 0 रखिए, x की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास 4। इसके अलावा आप एक और पॉइंट निकाल लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि y की वैल्यू को 2 पुट कर दिया, y की जगह अगर मैं 2 रखूंगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 6। इतना करने के बाद अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको दो लाइनें खींचनी है एक दूसरे को कट करती हुई 90 डिग्री पे। अब सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि लाइनें ग्राफ पे कहाँ पे खींचोगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि x की वैल्यू कितनी गई हुई है मैक्सिमम। यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास 10 तक गई है, y की वैल्यू 10 तक गई है। इसके अंदर भी देखा जाए तो मेरे पास x की वैल्यू 6 तक और y की वैल्यू क्या है -4 तक गई हुई है। तो इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखते हुए आप ग्राफ बनाइए। और ग्राफ बनाते टाइम ये भी जरूर ध्यान रखना है कि आपके पास क्वेश्चन में कितना पूछा गया है, क्या पूछा गया है। अगर किसी की एज की बात की जाए तो हम 10-10 के पेयर्स में बनाएंगे लाइनें, ताकि क्योंकि एज किसी भी पर्सन की 40 से 50 साल तक हो सकती है ना, लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही कितने दे रखे हैं 10। तो मेरे पास ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया मैंने कि मैक्सिमम आपके पास 10 तक ले गया और ये मिनिमम वाई की वैल्यू कहाँ तक ले गए हम, -5 तक ले गए। ड्रॉ करते हैं पॉइंट। सबसे पहले जो इक्वेशन 1 से बना है हमारे पास पॉइंट, यहां से देखिए क्या करेंगे हम, 0, 10। यानी आपके पास इस वाली एक्सिस पे होगा ना, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो ये पॉइंट आ गया 0, 10। यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट होगा 0, 10, 10, 0।
एक्स एक्सिस पे जाइए, ये रहा 10.0, ये पॉइंट है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपको लोकेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने यहाँ पे लोकेट कर दिया। एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू भी क्या होगी, 5, ये वाला पॉइंट होगा। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 से 0-4, वाई एक्सिस पे देखिए -4 कहाँ पे बन रहा है, ये रहा पॉइंट, तो ये बना आपके पास 0, -4। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट है 4.0 आपके पास, ये रहा एक्स एक्सिस पे। एक और पॉइंट है 6.2, इसे आप ड्रॉ कीजिए या रहने दीजिए, सीधा इन दो पॉइंटों से आप एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। तो यहाँ से देख पा रहे हो, जो मैंने इक्वेशन 1 के लिए लाइन ड्रॉ की है वो ब्लू कलर से डिनोट की है, इक्वेशन 2 के लिए मैंने रेड से डिनोट किया है। जहां पे ये कट कर रही है दोनों लाइनें, वो क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से मेरे पास किस पॉइंट पे कट कर रही है ये दोनों की दोनों लाइनें, यहाँ से देखेंगे हम कटिंग पॉइंट, ये यहाँ से आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाएगी वाई एक्सिस पे। तो यहाँ से देखें एक्स की वैल्यू कितनी बनी है, 7, और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो पॉइंट हुआ 7.3। तो मेरे पास जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स क्या मानी है हमने, एक्स माना है ना, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, 7, और नंबर ऑफ बॉयज कितने आ जाएंगे आपके पास, 3। वेरीफाई भी कर सकते हो, दोनों का सम कितना आना चाहिए, 10, दोनों का सम 10 आ रहा है, और दोनों में क्या है कि जो नंबर ऑफ गर्ल है 7 है, वो क्या है बॉयज से 4 अधिक है, तो आप बॉयज में 4 ऐड करके देख सकते हो 7 बन रहा है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन ऑफ इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, फाइंड देम। इक्वेशन में फर्स्ट लाइन में लिखा है कि हमारे पास कोई दो नंबर दे रखे हैं, दोनों नंबर का डिफरेंस यदि उन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना आना चाहिए, 26। सेकंड में लिखा है कि जो उनमें से एक नंबर है दूसरे नंबर का कितने टाइम है, 3 टाइम्स है, तो हमें वो दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर एक्स है, सेकेंड नंबर मान लिया वाई है, तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है कि दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 26। तो यहाँ पे बनेगी x-y = 26, या आप चाहो तो y-x = 26 ले सकते हो, उससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड वाली कंडीशन ये कह रही है हमें कि वन नंबर इज 3 टाइम ऑफ अदर, तो मेरे पास मैं मान लेता हूं ये है वो नंबर x, x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ y, तो x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y। दो इक्वेशंस बन गई हैं, दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी एक मेथड से सोल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3y है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में x की जगह क्या पुट करेंगे, 3y, तो ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 3y, बाकी ये टर्म ऐसे की ऐसे लिख रहा हूँ, -y = 26। अब आएगा ये वाली वैल्यू इम्प्लॉइज कर रही है, ये इम्प्लॉइज का निशान आप तभी लगाओगे जब ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन निकल रही है, तो ऊपर वाली से नीचे वाली निकल के आ रही है कि 3y में से y गया, कितना बचा, 2y = 26। तो y = कितना आ जाएगा, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू बन गई 13। अब इस वैल्यू को आप चाहो तो इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या 2 में, मैं यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में इसलिए पुट कर रहा हूँ कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ x इज इक्वल टू दे रखा है ना, तो यहाँ से इजीली निकल आएगा आपके पास। तो यहाँ पे y की जगह क्या पुट कर देंगे हम, 13, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 39। तो मेरे पास एक नंबर कितना हो गया, एक नंबर आ गया 13, और दूसरा नंबर क्या आ गया मेरे पास, 39। द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। कोई आपके पास 2 पर्सन दे रखे हैं, 2 आदमी हैं, उनकी इनकम जो भी वो पैसे कमाते हैं उनकी इनकम का रेशो क्या दे रखा है, 9:7। आप ये समझ सकते हो कि अगर पहले वाला पर्सन 9 रुपीज कमा रहा है तो दूसरे वाला कितना कमा रहा है, 7 रुपीज, अगर पहले वाला 900 कमा रहा है तो दूसरा 700, यानी दोनों को इक्वल नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर पहले वाला 9000 कमा रहा है तो सेकंड वाला 7000 कमाएगा। एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। एक्सपेंडिचर होता है कि जो उसका खर्च आता है, यानी जो भी वो खर्च कर रहा है पैसे, वो एक्सपेंडिचर होता है, उनका रेशो दे रखा है 4:3, यानी फर्स्ट वाला पर्सन तो खर्च कर रहा है 4 रुपीज, तो सेकंड वाला खर्च करेगा 3 रुपीज।
ऐसा भी कर सकते हो कि पहले वाला 4000 खर्च कर रहा है और दूसरे वाला 3000 खर्च करेगा. इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव आरएस 2000 पर मंथ, यदि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, उनकी ये टोटल इनकम है, वो ये खर्च कर रहे हैं, तो खर्च करने के बाद उन दोनों के पास कितने रुपए बचते हैं लास्ट में पर मंथ, 2000 रुपीज. तो हमें फाउंड देयर मंथली इनकम, तो हमें उनकी मंथली इनकम फाइंड आउट करनी है. तो यहां से देखिए इनका आपके पास कैसे रेशो निकाल सकते हो कि लेट द इनकम ऑफ टू पर्संस क्या होगी, पहले की अगर 9 है दूसरे की 7 है तो 9x रेशो 7x, यानी दोनों नंबर्स को हमने क्या किया, x से मल्टीप्लाई कर दिया. इसी तरह एक्सपेंडिचर के लिए क्या करेंगे कि पहले वाले को y से और दूसरे वाले को भी y से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उनका जो खर्च करने के बाद बच रहे हैं उनके पास पैसे 2000 रुपीज बच रहे हैं पर मंथ. तो फर्स्ट वाले की इनकम कितनी हो गई 9x, खर्च कितना कर रहा है वो 4y, यानी 9x में से अगर हम 4y को सब्ट्रैक्ट करें तो कितने पैसे बचे हैं उसके पास 2000 रुपीज. सिमिलरली जो सेकंड वाले के पास भी आपके पास कितने बच रहे हैं 2000 रुपीज बन रहे हैं, उसकी इनकम कितनी है 7x, खर्च कितना कर रहा है वो 3y, तो 7x में से 3y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा 2000 रुपीज. आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं. इन दोनों इक्वेशंस को आपको किसी भी एक मेथड से सोल्व कर लेना है, एक्स और वाई की वैल्यू इवेल्युएट कर लेनी है. तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड. इसके लिए क्या करेंगे कि मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ वाई वालों को, तो इसके लिए मैं इन दोनों कोएफिशिएंट को इक्वल करूंगा कि इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से. जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 12, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना बन जाएगा 12. तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को 4 से. मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू बनेगी 3 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 इज इक्वल टू 3 की 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000. सिमिलरली इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8000. अब दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, हमें ये कैंसिल आउट करना है, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर लेते हैं और वैल्यू इवेल्युएट करते हैं. ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे कि आपके पास दोनों वैल्यू, तो यहाँ से देखिए आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, माइनस का 28 है, ये 27 है प्लस का, तो माइनस का एक्स बचा. और यहाँ पे देखिए ये माइनस का 8000 है, ये प्लस का 6000 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2000 बचेगा. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 2000. अब इस x की वैल्यू को पुट कर दीजिए, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या 2 में, y की निकाल लेते हैं. मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में. तो यहाँ पे क्या किया है मैंने 9 और x की जगह क्या लिख दिया है 2000. बाकी इक्वेशन 1 को ऐसे कैसे लिखा है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मल्टीप्लाई करने पे ये कितना बनेगा आपके पास 18000. इसको इस तरफ ले आते हैं, माइनस का 2000, 16000 बचा. और इस 4y को राइट हैंड साइड में ले चलते हैं और फिर क्या करेंगे, इधर आके ये प्लस का हो जाए 4y, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे. 16000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000. तो इनकी अब मंथली इनकम देख लेते हैं. फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम कितनी बनेगी 9x, तो 9 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 2000, मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट पर्सन जो है उसकी मंथली इनकम है 18000 रुपीज. सिमिलरली सेकेंड वाले पर्सन की जो मंथली इनकम होगी वो होगी हमारे पास 7 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की वैल्यू रखने के बाद 14000 रुपीज. आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो. इसके लिए देखिए कैसे वेरीफाई किया जाता है, इनकम से करते हैं पहले वेरीफाई. दोनों की इनकम ये आ गई मेरे पास, इन दोनों की इनकम को कैंसिल आउट करके देखते हैं क्या 9:7 बन रहा है. देखिए तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, उसके बाद ये दोनों नंबर 2 से कैंसिल हो रहे हैं, ये बना 9 और ये बना आपके पास 7, तो 9:7 आ रहा है. इसके अलावा आप इनके एक्सपेंडिचर को भी कर सकते हो इवैल्यूएट. इनका एक्सपेंडिचर कितना था 4y/3y, y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 4000. यहाँ पे y की जगह हम 4000 रखेंगे,
तो कितना हो गया इसका पहले वाले का एक्सपेंडिचर 16,000 रेशो, दूसरे के अंदर भी वाई की जगह 4 रखेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 4,000 रखेंगे 12,000, इन्हें भी दोबारा कैंसिल आउट करके देखते हैं, तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास दोनों के दोनों नंबर 4 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 3, तो इनकी रेशो क्या आ रही है 4:3। इस तरह से आप क्वेश्चन को वेरीफाई भी करके दिखा सकते हो। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2,000। मीना एक बैंक में जाती है, उसे ₹2,000 निकालने हैं, वहां से विड्रॉ करने का मतलब होता है निकालने हैं। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 notes ओनली। वो कैशियर को कहती है कि उसे सिर्फ 50 और 100 के नोट्स दे। मीना गोट 25 notes ऑल, उसे टोटल कितने नोट्स मिलते हैं 25। फाइंड हाउ मैनी नोट्स 50 and 100 सी रिसीव, तो हमें बताना है कि उसे 50 के और 100 के टोटल कितने नोट्स मिले हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि उसे जो नंबर ऑफ नोट्स 50 के मिले हैं x मिले हैं, और नंबर ऑफ नोट्स 100 के मिले हैं y मिले हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी मेरे पास यहाँ से बनेगी, टोटल अमाउंट कितना रिसीव करना है उसने, विड्रॉ करना है 2000, 50 के नोट्स ले रही है कुछ और कुछ 100 के। अब यहाँ से देखिए आपके पास, मान लीजिए मैं आपको 5 नोट देता हूँ 50 के, तो टोटल अमाउंट कितना बना है आपके पास, कैसे इवेल्युएट करोगे, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी हमारे पास टोटल अमाउंट आएगा कितना बना है। तो यहाँ पे देखें हमने टोटल नोट्स कितने माने, एक्स माने हैं 50 के, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा यहाँ से 50x। इसी तरह मेरे पास यहाँ से कितना बनेगा 100y, और इक्वल टू कितना होगा, टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया उसने 2000 रुपीज। जैसे मैं यदि आपको यहाँ पे 10 नोट्स दे देता हूँ 100 के, तो कैसे निकालोगे, आपके पास टोटल अमाउंट कितना हो गया 1000 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना 10 से, तो यहाँ पे क्या करना है, 100 के नोट्स कितने हैं मेरे पास y, तो यहाँ से टोटल अमाउंट निकालने के लिए 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे y, और जो टोटल अमाउंट बनेगा इनका मल्टीप्लाई करने के बाद इनको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, तो ये टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा 2000 रुपीज। अब क्या करते हैं, जब भी आपके पास इक्वेशन में कोई नंबर ऐसा आ रहा है कि पूरी इक्वेशन उस नंबर से डिवाइड होती है, तो हम कर देते हैं यहाँ पे, ये पूरी इक्वेशन 50 से डिवाइड की जा सकती है, 50 से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू बचेगी 1, 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और 2000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 40। सेकेंड यहाँ से इक्वेशन बनेगी आपके पास, मीना ने टोटल कितने नोट्स लिए हैं 25, तो यहाँ से क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। दो इक्वेशन आ गई है, दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा लिख लेते हैं और फिर क्या करते हैं, यहाँ से देखिए x के कोएफिशिएंट आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं, दोनों 1 1 है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशंस नीचे वाली इक्वेशन के क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y जाएगा तो कितना बचा y, 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट करें कितना बचा 15, तो y की वैल्यू बनी है हमारे पास 15। अब y की वैल्यू 15 को आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके x की निकालिए, या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके x की निकालिए, मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह क्या पुट कर देना है हमें 15, तो ये क्या बनेगी मेरे पास इक्वेशन x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। ये 15 राइट हैंड साइड में आएगा, माइनस का 15 हो गया, तो आपके पास 25 में से 15 जाएंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ नोट्स होंगे 50 वाले कितने बने, जितना x आया कितने हो गए वो 10, और नंबर ऑफ नोट्स 100 वाले कितने बने हैं 15, y की वैल्यू 15 आई है। अब आप क्वेश्चन को यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो, दोनों के दोनों नोट्स जितने भी बने हैं उनका सम कितना आ रहा है 25 आ रहा है, 25 भी आना चाहिए था मेरे पास। अमाउंट देखते हैं टोटल कितना बना, 2000 बनना चाहिए ना, 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन गया 500, और 100 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500, 1500 में 500 ऐड करेंगे तो ये अमाउंट कितना आ गया 2000। इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग
3 marks for each right answer and lose 1 marks for each wrong answer. Yes, क्या है? Score करता है 40 marks in a test. Yes, को 40 marks मिलते हैं एक test में. और test का rule क्या है? कि उसके अंदर यदि कोई question correct कर रहे हैं, right question के लिए, right answer के लिए कितने marks मिल रहे हैं उसे? 3 marks मिल रहे हैं. और यदि किसी का वो wrong answer देता है, तो उसके लिए क्या कर रहा है? 1 marks lose कर रहा है. Lose करने का मतलब होता है कि उसका 1 marks कट जाएगा यदि वो किसी भी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देता है. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. वो कह रहा है कि यदि हमारे पास 4 marks दिए जाएं हर एक correct आंसर के लिए और 2 marks deduct कर लिए जाएं, यानी काट दिए जाएं यदि वो रॉन्ग आंसर देता है, तो यस उस टाइम कितना स्कोर करता है? 50 मार्क्स. तो पूछ रहा है लास्ट में हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, कि टेस्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे. तो इसके लिए क्या करते हैं हम, मान लेते हैं कि जो यस ने, देखिए दो ही तरह से दे रहा है ना वो आंसर, या तो वो राइट दे रहा है या रॉन्ग दे रहा है आंसर. तो हम यहां पे मान लेते हैं कि नंबर ऑफ राइट आंसर्स जो उसने दिए हैं x दिए हैं और रॉन्ग आंसर्स कितने दिए हैं y दिए हैं. तो फर्स्ट वाली इक्वेशन यहां आपके पास फर्स्ट लाइन से बनेगी. देखिए एक राइट आंसर देने के लिए कितने मिल रहे हैं उसे? 3 मार्क्स. तो उसने x राइट आंसर दिए हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास? 3x. और रॉन्ग के लिए कितना हो जाएगा आपके पास? y. तो उसने यहां पे कितने रॉन्ग आंसर दिए हैं? 1 रॉन्ग आंसर दिया है यहां पे. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 3x - y = 40. तो यहां पे देखिए उसके राइट आंसर कितने थे? x. तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3x हो गए ना उसके टोटल मार्क्स. और लूज कितना कर रहे हैं? 1 मार्क्स लूज कर रहे हैं ना, रॉन्ग आंसर दे रहा है. रॉन्ग आंसर कितने दिए हमने माना y, तो 1 की y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y रह जाएगा. तो आपके पास 3x तो जो उसके पास मार्क्स आएंगे, और जो आपके पास ये 1y मार्क्स जाएगा, तो दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करेंगे. सबट्रैक्ट करने पे कितना बनेगा स्कोर उसका? 40 मार्क्स. सेकंड कंडीशन भी आपको इसी तरह से बनानी है. इनको मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में ले गया. सेकंड यहां से बनेगी, देखिए ये करेक्ट है, 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो क्या बनेगी? 4x - 2y इज इक्वल टू कितना स्कोर कर रहे हैं? 50. इसे भी हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले चलते हैं. इन दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर लीजिए. मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रहा हूं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको पता है कि इन फर्स्ट, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट वालों को 1, इनको y के कोएफिशिएंट को 2, और जो आपके पास ये बने हैं कांस्टेंट टर्म इन्हें मानते हैं 3. तो आपको रूल बताया था कि पहले क्या आएगा, 2 फिर 3 फिर 1 2, यानी आप ये याद रख सकते हैं 23 एंड 12 इस उसमें लिखना होता है. तो पहले हमें लिखना है 2, 2 मतलब y के कोएफिशिएंट लिखने हैं. y के कोएफिशिएंट कितने बने? फर्स्ट इक्वेशन से बना है आपके पास -1, सेकंड इक्वेशन से बन रहा है -2. थर्ड वाले के लिखेंगे हम -40 -50. उसके बाद x के कोएफिशिएंट लिखने हैं जो फर्स्ट पोजीशन पे होते हैं 3 और 4. उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड वाली पोजीशन से लिखने हैं ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास -1 -2. इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम. तो मल्टीप्लाई कैसे करनी होती है, देखिए यहां पे ध्यान रखना है कि x के अपॉन में सबसे पहले एलिमेंट ये लिखते हैं ना, पहले इस एलिमेंट की क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है, यानी -1 की -50 से, फिर बीच में माइनस लगाना है, फिर इन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई -2 की मल्टीप्लाई -40 से. y के अपॉन में भी सेम पैटर्न फॉलो करना है, -40 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4 से, फिर माइनस लगाएंगे बीच में, -50 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इज इक्वल टू 1 के अपॉन में भी सेम पैटर्न फॉलो करना है, पहले इस 3 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से. तो ये होगा 3 - -2, फिर माइनस इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर देनी है, 4 की मल्टीप्लाई होगी -1 से. अब इन्हें इवैल्यूएट कर लेते हैं. तो इन दोनों की देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया मेरे पास 50. और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, एक माइनस पहले ही बाहर है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे -80. और y के अपॉन में क्या आएगा, -40 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -160,
और ये माइनस और माइनस हो गया, प्लस 50 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 इज इक्वल टू 1 के अपॉन में क्या आएगा, इन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 6 और ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस का 4। इन्हें फर्दर इवेल्युएट कर लेते हैं तो x अपॉन में माइनस वाले याद है ना यहाँ पे, तो माइनस वाले बचेंगे, कितने बचे सब टैक्ट करने के बाद, माइनस 30, यहाँ पे भी माइनस वाले याद है तो माइनस 10 बचा, इनको सब टैक करेंगे तो माइनस 2। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट पेयर लेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो, ये माइनस 30 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 30 बाय माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 से 30 को कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। फिर हम क्या करेंगे कि ये लास्ट वाले टू पेयर्स लेंगे और इसके लिए क्या करें, माइनस 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 10 को, तो कितनी वैल्यू आएगी y की, 5। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा है ना, कितने बने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, जितने उसने राइट दिए और जितने उसने रॉन्ग दिए, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू रखेंगे, दोनों को सम अप कर देते हैं तो 20। तो उसने जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे क्वेश्चन पेपर में वो कितने थे, 20 थे।